अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द इमरान खान क्रिएटिंग ऑल। तो आज हम आपके लिए पेंटिंग लेके आए हैं। बहुत सी बेसिक सी पेंटिंग है और उसमें जो तीन कलर हमने यूज़ करा है वो दिखाएंगे, दिखा दिया हमने आपको। और जो ब्रश हम आपको चाहिए वो ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत बेसिक सी पेंटिंग है, बस शेडिंग करना हम आपको सिखाएंगे इसमें कि शेड किस तरीके से किया जाता है। तो कोई भी इस तरीके का फ्लावर छाप ले या फूल छाप ले। ये देखिए, बस ब्रश से हमें बहुत हल्के हल्के हाथ से ये देखें इस तरीके से शेडिंग करते हैं। ये पेंटिंग बहुत खूबसूरत दिखती है। बहुत से 3D पेंटिंग चलती है, बहुत सी अलग अलग पेंटिंग आई हैं, लेकिन ये पेंटिंग बहुत थोड़ी हार्ड रहती है बट बहुत खूबसूरत लगती है। तो किस तरीके से करते हैं तो आज हम आपको पूरा दिखाएंगे। ये देखिए, ऊपर का हमें डार्क चाहिए, ऊपर अप साइड हमें डार्क चाहिए। नीचे जब हम शेड लेके आते हैं तो बहुत ही लाइट हाथ से हल्का हल्का ब्रश से डैब कर करके उसी में से हम कलर एडजस्ट करते हैं। भी हम आपको पूरा फ्लावर बना के बताएंगे। और इसी की मदद से आप पूरा बेडशीट बना सकते हैं हाथ से ही छाप के। मतलब ज़्यादा हार्ड डिज़ाइन आपको नहीं चाहिए, डिफ़िकल्ट नहीं चाहिए, तो एकदम सिंपल सा और इजी डिज़ाइन भी लगता है ये और ख़ूबसूरत भी लगता है। ऐसा हमने बहुत बार बनाया है। बहुत ही खूबसूरत सी लगती है। ये देखिए शेड कितना खूबसूरती से हो रहा है। पहले हमें इस तरीके से आउटलाइन करना है और फिर उसी आउटलाइन से हम कलर एडजस्ट करके नीचे की तरफ शेडिंग उसकी देंगे। ये देखिए आउटलाइन जो हमारी है वो थोड़ी डार्क रहे, उसके बाद हम इस तरीके से उसी में से कलर लेंगे और नीचे शेडिंग करेंगे। ये देखिए, देखिए रेड कलर का फ्लावर है, कितना खूबसूरत लग रहा है, आप जैसे देख सकते हैं। और हम अगर कलर शेडिंग के लिए अलग से कलर लेंगे तो वो अलग अलग दिखता है। इसी के लिए जो आउटलाइन हम देते हैं, ये जो आउटलाइन हम दे रहे हैं तो इसी ये जन ये हिस्सा है, इसी में से कलर हम ले ताकि वो मिक्स हो जाए, ऐसा अलग अलग ना दिखे कि अलग से हम शेड कर रहे हैं, अलग से आउटलाइन दे रहे हैं। और ये देखिए खड़ा ब्रश करके हम कर रहे हैं ताकि ऐसे लाइनिंग वाला शेड आए, खूबसूरती वाला। ये हमने पेंसिल से ड्रॉ किया डिज़ाइन, आप इसी तरीके से मेज पोज पे ड्रॉ करके सीख सकते हैं। कोई रुमाल है उस पर लगा के सीख सकते हैं। ये बस हम सीखने के लिए आपके दिखा रहे हैं। ये देखिए ये हमने फ्लैट ब्रश की मदद से किया है। इसके लिए 0.1 का ब्रश आता है, आप वो वाला यूज़ कर सकते हैं, पतला ब्रश रहता है वो थोड़ा। और ये देखो रेड वाला हमारा फ्लावर कंप्लीट है, अब ये ब्लू वाला फ्लावर हम बनाएंगे। ऐसे दो कलर यूज़ करके, तीन कलर यूज़ करके आप किसी तरीके की बेडशीट बना सकते हैं, पिलो कवर्स में सीख सकते हैं, किसी में भी आप सीख सकते हैं। बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली बन जाता है। बस ये है कि शेडिंग करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हाथ हमारा बहुत ही हल्का चले ताकि इसकी फिनिशिंग रहे। फिनिशिंग रहेगी तो कोई भी चीज़ किस तरीके से भी बनाई जाए बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। तो इसके लिए ज़रूर ट्राई करिएगा। अब रेड वाले में हमने आपको बीच का हिस्सा करना नहीं बताया था, ये ब्लू वाले में हम आपको बीच का भी हिस्सा करके दिखाएंगे। ये देखिए पत्ती हम ऐसे साइड साइड से सेट नहीं करेंगे, ऐसे सीधा सेट करेंगे ताकि वो पूरा भरा भरा दिखे।
वो खाली दिखता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए इस तरीके से नोक भी दे देंगे, नोक निकालना ज़रूरी है नहीं तो फिर वो भद्दी लगती है। ये देखिए और दोनों साइड से किस तरीके से शेड की जाती है वो भी तरीका हम बहुत ही जल्द अपने यूट्यूब चैनल पे डालेंगे। आज को आपको भी कुछ सीखना है तो आप भी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, वो भी कोशिश करेंगे बनाने की। वेलवेट में आपको सीखना है तो वेलवेट का भी बता सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये ब्लू कलर का भी फ्लावर रेडी है हमारा। और ये देखिए सबकी शेडिंग नीचे के साइड से बहुत ही खूबसूरत से दिख रही है। और ये डंठल है उसे हम ब्लैक कलर से यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए जब डंठल के पास या फ्लावर के पास जब हम करते हैं तो ऐसा यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा डार्क कर देने का ताकि ऐसा लगे फ्लावर इसी से डंठल से अटैच है, बहुत ही खूबसूरत लगता है उससे लुक और गेटअप उसका बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छा लगता है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा लुक देता है ये। अब जिस तरीके से हमने सब शेडिंग की है उसी तरीके से इसे भी सेट करेंगे। ये देखिए नोक हमने निकाली है, नोक निकालने पे ही पत्ती खूबसूरत लगेगी, कोई भी लीव्स है उसकी नोक जब तक नहीं निकली रहेगी वो खूबसूरत नहीं लगेगी। और बीच में इसे इस तरीके से लकीर दे देना है। और ये रिंगस इस तरीके से अगर आपके पास जिसको नहीं आता वो पतला ब्रश यूज़ करके बना सकता है, हम इसी ब्रश से बना लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब ये पत्ती को हम दोनों साइड से सेटिंग करेंगे तो आप देखिए किस तरीके से है। कोई भी चीज़ बनाना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बस उसे थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है। जब हाथ बैठ जाता है आपका तो आप भी इसी तरीके से बिल्कुल आसान है, देखने में ऐसा लगता है कि ये तो बना रहे हैं कैसे हम बनाएंगे, हमारा सेट नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो प्रैक्टिस के ऊपर है। पहले हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक दो चीज़ ख़राब होगी बट उसके बाद ओवरऑल अदरवाइज़ बाकी सब बहुत ही बढ़िया बनेगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है कोई भी चीज़ करने में। तो सबसे पहले आप अपना हाथ बैठाइए कि किस तरीके से हमें सेट करना है, हाथ किस तरीके से हल्का चलाना है, वो आपका बैठ गया तो आपका कोई भी चीज़ बहुत ही ईजिली और बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो ये देखिए हमारा फ्लावर कम्प्लीट है।